भोपाल के लाल घाटी स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक कर आरती की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान चित्रगुप्त का जयकारा लगाया और समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त के बिना मानव का उद्धार संभव नहीं है। कायस्थ समाज कलम दवात की पूजा करते हुए समाज की एकता के साथ संपूर्ण हिंदू धर्म की एकता के लिए कार्य करता रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों समाज बंधु भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कायस्थ समाज को एक किया और उन्होंने कहा कि ये कायस्थ समाज केवल मुंडी इकट्ठे करने के लिए हमें एक नहीं कर रहे, हम किसी तरह का कोई फायदा लेने के लिए कायस्थ समाज को एक नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था कि यदि हम मानव शरीर को अलग अलग समाज के रूप में देखे तो कोई समाज भगवान की चित्रगुप्त भगवान की महाकाल महाराज की हमारे यहाँ वैसे तो सबके तिथि का महत्व है, लेकिन दो अष्टमी बहुत प्रसिद्ध है। एक भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी और एक भगवान के नाम के अनुरूप गोपाष्टमी, जो आज हमारे लिए परमात्मा की दया से चित्रगुप्त भगवान का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई कारणों से मैं अभी तो समय की कमी है, आप सब तो इस सब चीजों को समझते ही है, लेकिन काल के प्रवाह में हरेक किसी का हिसाब किताब अपने आप, जैसे हमारी परमात्मा के यहाँ पुण्य का क्षय होता है तो मृत्यु लोक में जन्म होता है, और मृत्यु लोक में जन्म के बाद हमारे कर्मों के आधार पर हम वापस ये जन्म जन्म के माया के मोह के सभी आडंबर से बाहर निकल करके पुनः मोक्ष की प्राप्ति करें। इसका जो बारीक हिसाब रखते मृत्यु लोक में, वो वास्तव में धर्मराज के पुत्र भगवान के अवतार अलग अलग प्रकार से, कोई ब्रह्मा के अवतार मानेगा, लेकिन मृत्यु लोक में अगर अपना पुण्य कर्म का हिसाब किताब रखना है तो चित्रगुप्त तो बिना उद्धार नहीं है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से ये जो हमारे यहाँ कामना की गई है, कल्पना की गई है, बात बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन नास्तिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि कोई आज जन्म के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का कारण एकमात्र जन्म है, और जन्म से मृत्यु की यात्रा के बीच में जैसे आपके अपने एक एक श्वास का हिसाब इस शरीर के साथ, ऐसे आपके पुण्य कर्म का और पुण्य कर्म के साथ होने वाले दुष्कर्म का, होने वाले पाप कर्म का, होने वाले जाने अनजाने की अपनी गलतियों का बारीक हिसाब रखने के लिए चित्रगुप्त समान देवता इस पृथ्वी लोक पर और कोई नहीं है। मैं आज आपको प्रणाम भी करता हूँ, परमात्मा से कामना करता हूँ। कोई इसको गरुड़ पुराण के हिसाब से डराने वाले एक अध्याय की बात करता है, कोई क्या करता है, लेकिन ये बात सही है कि जो आया और जाएगा, आने और जाने के क्रम में अगर कोई हमको सदमार्ग पे ले जाता है तो केवल हमारे हिंदू धर्म का गौरवशाली पक्ष है जो हमको सदमार्ग पे ले जाता है। इसलिए हम सबके जीवन में पंच कर्म का बना हुआ ये पंच धातु का ये शरीर, इसको छोड़ने के बाद दुखाग्नि के साथ जब विदाई होती है उसके तुरंत बाद घर में कोई घट देखता है, पिंड देखता है, कोई आटे से बनी रचना देखता है, तो हाथों हाथ चित्रगुप्त का हिसाब हर एक व्यक्ति के पिंड छूटने के साथ हाथों हाथ कोई करता है। 13वीं की होगी कथा अपनी जगह, लेकिन 13वीं के क्रम के पहले उसी क्षण जब आप घर से विदा हो और आपकी आत्मा किस रूप में गई ये बताने के लिए आईना दिखाने के कोई भी रहते हैं तो ये चित्रगुप्त भगवान धर्मराज भगवान है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर आप सबको प्रणाम भी है, और उम्मीद करता हूँ आज तो समय की कमी है, माननीय विश्वास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों को
धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत कम समय में भी इस कार्यक्रम की रचना में मुझे भागीदार बनाया। से मैं आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ था, मेरे साथ माननीय मंत्री कैलाश जी, विश्वास कैलाश सारंग जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज के उपस्थिति में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। आने वाले समय में हम इस तीर्थ को और अच्छे से विकसित करेंगे। मैं आज सभी समाज बंधुओं को भगवान चित्रगुप्त की जयंती की बधाई देता हूँ, और खास करके आज ये महत्व और जब बढ़ जाता है जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक महायज्ञ खड़ा माननीय मोदी जी देश भर में सभी ऐसे देवस्थानों की चिंता कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भोपाल की एक पहचान ये भी बनेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।